और फ्रेंड्स सारे बर्ड्स के लिए अभी ये फ्रेश पम नट्स लेके आ गए हैं। सारे बर्ड्स ये बहुत ही पसंद करके खाते हैं, इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशल करके ग्रे पैरोट, इक्लेक्टस, मैकाओ वगैरह, कॉकाडू वगैरह, ये सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए अभी थोड़ा देर में कैसे ग्रे पैरोट लोग खाना शुरू करेंगे पम नट्स। लो कितना ज़्यादा पसंद है लोगों को ये पम नट्स वगैरह। लो खुद से लो, खुद से लो। और मिमी के लिए भी लेके जाते हैं। मिमी आ जाओ, और पाम नट्स में बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है, फैट कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा करके पैरट फिश का जितना बर्ड है बहुत ज़्यादा पसंद करता है, सैन कॉर्नियर, अफ्रीकन ग्रेज, कॉकाटू, मकाओ वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे हंस मकाओ लोग भी खाने के लिए आ गया है, ठीक है। लो तुम लोग इधर देते हैं, लो देखिए सारे बर्ड्स कैसे आके पाम नट्स खाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सन कुनूर बर्ड्स जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो होता है जांडिया कुनूर, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग उतना मतलब प्रेफर नहीं करते हम, मैं देख रहा हूँ अभी कुछ दिन से कि हम लोग जो बर्ड लवर है उनके पास सन कुनूर बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन जांडिया कुनूर एकदम वो लोग धीरे धीरे सब छोड़ दे रहे, कोई जांडिया कुनूर का ब्रीडिंग नहीं करवा रहे, इसका रीज़न मुझे पता नहीं। और सन कुनूर का जो मार्केट का जिसका प्राइस है, सन कुनूर का बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है, और उस हिसाब से जांडिया कुनूर का प्राइस बहुत ही चीप है, मतलब बहुत ही कम है। तो देखिए मेरे पास तो सभी तरह का बर्ड्स है, सभी तरह का पैरट्स है, ठीक है। तो मैं हमेशा सारे बर्ड्स को प्रेफर करता हूँ और सब बर्ड्स का ब्रीडिंग कराता हूँ, ऐसा नहीं कि जिसका मार्केट में उतना वैल्यू नहीं उसको नहीं कराएंगे और जिसका वैल्यू नहीं है उसको बहुत ज़्यादा तादाद में उसको ब्रीड कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आज वीडियो बनाने का छोटा सा ये मोटिव था कि आप लोग सब बर्ड्स को प्यार करिए, जिसका पास सनकुनू लेने का अफोर्ड नहीं है वो क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, बहुत दिन बाद वेट करते हैं सनकुनू लेने के लिए, लेकिन जांडिया कुनूर भी वो लोग ले सकते हैं। एज इट इज जांडिया कुनूर भी सनकुनूर की तरह एकदम सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, बाकी एकदम पूरा का पूरा सेम होता है। और वो भी बहुत अच्छा टेम होता है, जांडिया कुनूर बहुत अच्छा टेम होता है। मेरे पास जांडिया कुनूर इसका पहले भी बेबीज आया था, बिल्कुल बहुत अच्छा टेम थे। और अभी एक बेबीज को मैं इंक्यूबेटर में हैच करा के बड़ा कर रहा हूँ, तो उसमें वो बेबीज तो और भी ज़्यादा टेम होगा, उसको मैं फ्री फ्लाई कराने के भी ट्रेनिंग उसको कर रहा हूँ, ठीक है। और जांडिया कुनूर को ही मैं बाहर फ्री फ्लाई करवा के आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज बहुत दिन बाद जांडिया कुनूर का तीन चिक्स फिर से आ गया है, लेकिन वो पेयर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे ब्रीडिंग सेटअप के अंदर, जहाँ जांडिया कुनूर को पेयर ने तीन बेबीज जो हैच किए हैं उसको कितना अच्छे से बड़ा कर रहे हैं नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए ब्रीडिंग सेटअप के अंदर चलते हैं। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे सन कुनूर का ब्रीडिंग सेटअप के अंदर, और यहाँ पे एक लगातार मेरा पूरा सन कुनूर का ब्रीडिंग सेटअप है, ठीक है। और इस
में से ये पहला जो पेयर है वो है जांडिया क्रूर और सन कुनूर का मिक्सचर पेयर। अच्छा, इसका जो फीमेल है वो सन कुनूर है और मेल जो है वो जांडिया क्रूर है। और कुछ दिन पहले जांडिया का जो फीमेल है उसका थोड़ा सा तबीयत खराब होता है, इसलिए हम लोग उसको रख दिए थे ट्रीटमेंट करने के लिए। मेल तो पूरा पूरा एडल्ट था, मीटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग क्या किया उस टाइम को मेल को एक अच्छा पार्टनर देने के लिए, मेल को एक अच्छा फ्रेंड देने के लिए मैंने सन कुनूर का फीमेल ऐसे एडल्ट फीमेल था मैंने इसका साथ छोड़ दिया। और फिर कुछ दिन बाद ही मैंने देख रहा कि इसका अंदर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर रिजल्ट दे दिया, सक्सेसफुली रिजल्ट दे दिया और इसने 3 eggs ले किए थे। देखिए ये है जांडिया का, जांडिया कुनूर का जो मेल है और पीछे फीमेल बैठा हुआ, ठीक है। और अभी चेक करेंगे इसका ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसा हुआ, इसका क्या रिजल्ट आया है, चलिए बॉक्स हम चेक कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर देखिए शायद 3 babies आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम छोटे छोटे बेबीज हैं। मतलब इसका ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका फीमेल थोड़ा सा वीक हो गया था, मतलब बीमार हो गया था, तो अभी ट्रीटमेंट करके वो तो पूरा का पूरा एक्टिव हो गया। मेल अकेले पड़ गया था, इसीलिए मैंने क्या किया था, एक सन कुनूर का फीमेल को ऐसे एवरेज से पकड़ के डीएनए किया हुआ था, एवरेज से पकड़ के उसके साथ छोड़ दिया और उसके 1 हफ्ते बाद ही देख रहा एक ले कर दिया। जैसे मैंने सन कुनूर का फीमेल है उसको अलग करने दिया, तभी देख रहा ब्रीडिंग बॉक्स में एक ले कर दिया और अभी सक्सेसफुल 3 babies भी आ गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था कि एक बर्ड लवर का वे से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सारे बर्ड्स को प्यार करें, सारे बर्ड्स को रखिए अपने पास, जितना हो सके सारे बर्ड्स को रखिए, अफोर्ड कर सके जो बर्ड्स आप अफोर्ड कर सकते उसी बर्ड्स को रखिए। ऐसा नहीं कि आपको सन कुनूर अफोर्ड करना होगा, ग्रे पैरोटी अफोर्ड करना होगा, आप ग्रीन चीप येलो साइड, ठीक है, ऊपर से ये जांडिया कुनूर और भी बहुत सारे कुनूर वेराइटीज होता है, जैसे लॉरी, ये सब बहुत अनकॉमन बर्ड है, ये सब अपने पास रखें, इन सबसे ब्रीडिंग कराइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगा। तो इसी तरह जांडिया कुनूर का साथ मेरा बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है जो मेरे चैनल में शेयर किया हुआ, आप लोग जाके आई बटन में वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो तक आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद है, अगर पसंद है वीडियो को जैसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो तक फिर मिलेंगे नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।